हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे बिटवीन एरे एलिमेंट्स एंड दियर एड्रेसेस। तो एंड दियर एड्रेस मतलब कि ऑब्वियस सी बात है कि पॉइंटर्स से और एरे एलिमेंट का क्या रिलेशन होता है, कैसे हम उसको इलस्ट्रेट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। आज हम लोग उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम ही ले लेते हैं तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन ये है कि राइट ए प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप, टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एरे एलिमेंट्स, बिटवीन एरे एलिमेंट्स एंड दियर एड्रेसेस एंड दियर एड्रेसेस मतलब किसी भी अरे एलिमेंट में के में एलिमेंट में और उसके एड्रेसेस में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो देखिए इसको इलस्ट्रेट करने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे बड़ा तरीका क्या है, हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। मान लीजिए हमने ये बनाया इंक्लूड stdio.h। ठीक है, फिर हमने यहाँ मेन फंक्शन लिखा, मेन मेन के अंदर हमने ये डिक्लेयर किया, सबसे पहले तो एक एरे डिक्लेयर की स्टैटिक इंटीजर x10, 10 एलिमेंट की एरे हमने डिक्लेयर की। और डिक्लेयर करने के साथ ही साथ हमने क्या किया, इसको इनिशियलाइज भी कर दिया। तो 10, 11, 12 ऐसे वैल्यू हमने इसको इनिशलाइज कर दी, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि एक हमने वेरिएबल ले लिया इंटीजर आई। ठीक है, अब हमने लिखा फॉर आई इक्वल टू 0 से आई इज लेस देन इक्वल टू 9 तक, और हमने क्या लिखा प्लस प्लस आई। ये फॉर का हमने लूप स्टार्ट किया, फॉर के अंदर हम क्या करने जा रहा है, तो ये मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया कमेंट लाइन में कि डिस्प्ले एन एरे एलिमेंट, एन एरे एलिमेंट। ठीक है, अब हमने यहाँ पे प्रिंट एफ किया, प्रिंट एफ स्लैश एन आई इक्वल टू परसेंटेज डी एक्स आई इक्वल टू परसेंटेज डी, फिर यहाँ हमने यूज किया इस एस्टरिस्क एक्स प्लस आई। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टार एक्स प्लस आई इज इक्वल टू, ये हमने लिखा परसेंटेज डी, फिर यहाँ पे कोट्स क्लोज्ड कॉमा। अब देखिए यहाँ पे आई की वैल्यू तो ये हमने लिख दिया आई कॉमा, ये एलिमेंट की वैल्यू तो हमने लिख दिया एक्स आई, और फिर हमने यहाँ लिखा एस्टरिस्क एक्स प्लस आई। ठीक है, ये हो गया आपका प्रिंट एफ में जो वैल्यू हमें प्रिंट करनी है। अब इसके बाद क्या होना है, तो ये हमने लिखा डिस्प्ले द करस्पॉन्डिंग एरे एड्रेस, तो यहाँ हमने लिखा डिस्प्ले द करेस्पॉन्डिंग एरे एड्रेस, एरे एड्रेस। ठीक है, तो ये हो गया प्रिंट एफ। कोट्स क्लोज्ड, यहां हमने लिखा एम्परसेंड एक्स आई, एम्परसेंड एक्स आई
इज इक्वल टू परसेंटेज एक्स, और फिर हमने एक्स प्लस आई इज इक्वल टू परसेंटेज एक्स, और फिर हमने कॉमा लगा के लिखा एम परसेंट एक्स आई कॉमा एक्स प्लस आई। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर का लूप बंद हो गया और यहाँ पे मेन की बॉडी बंद हो गई। अब देखिए, अब इस प्रोग्राम में कहाँ जो मेन चीज आपको एक्सप्लेन करनी थी वो ये है कि दिस प्रोग्राम डिफाइन्स ए वन डायमेंशनल 10 एलिमेंट इंटीजर एरे एक्स हुज एलिमेंट्स आर असाइंड बाय द वैल्यू 10, 11, 12 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये एक एरे एलिमेंट एरे डिक्लेयर की है और इसको ये एलिमेंट्स हमने इनिशलाइज किए हुए हैं। द एक्शन पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ ए लूप दैट डिस्प्लेज द वैल्यू एंड द करस्पॉन्डिंग एड्रेस ऑफ ईच एरे एलिमेंट। तो देखिए, इस लूप में क्या होता है, ये जो एक्शन पोर्शन है प्रोग्राम का, इसमें क्या होता है कि लूप में दैट डिस्प्लेज द वैल्यू एंड द करस्पॉन्डिंग एड्रेस ऑफ ईच एरे एलिमेंट। नोट दैट द वैल्यू ऑफ ईच एरे एलिमेंट इज स्पेसिफाइड इन टू डिफरेंट वेज। तो अब देखिए, जो वैल्यू है एरे एलिमेंट की वो दो तरह से डिफाइन की हुई है। कैसे? एक तो है देखिए, एक्स आई से ये भी डाटा का एलिमेंट की वैल्यू दिखा रहा है और ये भी एलिमेंट की वैल्यू दिखा रहा है। तो ये इसीलिए वैल्यू आपकी जब आप प्रिंट आउट करोगे, प्रोग्राम को रन कराओगे, तो दो दो बार डिस्प्ले होगी। ठीक है ना, एक्स आई भी डाटा एलिमेंट की वैल्यू दिखा रहा है और एक्स प्लस आई और आपने एस्टेस लगाया, ये भी डाटा एलिमेंट की वैल्यू दिखा रहा है इन ऑर्डर टू स्ट्रेट दियर इक्वलेंस। तो इसीलिए हमने दोनों चीजों को दिखा दिया है आपको। सिमिलरली द एड्रेस ऑफ ईच एरे एलिमेंट इज स्पेसिफाइड इन टू डिफरेंट वेज। तो इसी तरह एड्रेस को भी देखिए दो तरह से डिफाइन किया हुआ है। एक ये देखिए, एड्रेस ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं किसी एरे एलिमेंट का, और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, तो इसी तरह ये भी दो दो बार हमने डिस्प्ले कराया है, यानी डाटा एलिमेंट की जो वैल्यू है वो भी हमने दो बार आपको डिस्प्ले कराई है, ये बताने के लिए कि आप इस तरह भी दिखा सकते हैं, इस तरह भी दिखा सकते हैं। सिमिलरली उसका एड्रेस भी हमने दो बार डिस्प्ले कराया है कि आप इस तरह भी दिखा सकते हैं और इस तरह भी दिखा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, तो एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम रिजल्ट्स इन द फॉलोइंग आउटपुट। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम, एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम रिजल्ट्स इन द फॉलोइंग आउटपुट। ठीक है, अब जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे तो जो आपको आउटपुट मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा। देखिए, पहले तो ये आप समझ लीजिए, आई इक्वल टू 0, फिर हमने कहा आई इक्वल टू 1, फिर आई इक्वल टू 2, फिर आई इक्वल टू 3, आई इक्वल टू 4, ऐसे ही आप समझ लीजिएगा 9 तक जो आएगा। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा। आई इक्वल टू 0 में यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ आएगा एक्स आई, तो एक्स 0 क्या है, 10। ठीक, और फिर स्टार एक्स प्लस आई, तो स्टार एक्स प्लस आई में भी क्या लिखा हुआ आएगा, 10। ठीक, अब एड्रेस की बात करें तो एड्रेस यानी एड्रेस ऑफ एक्स आई ये क्या हुआ लिखा हुआ आएगा, ये आएगा मान लीजिए एड्रेस इसका है 72। ठीक, ये 72 क्यों है, मान लीजिए इनिशियल जो एरे स्टार्ट हो रही है वो 72 से। ठीक, और एक्स प्लस आई क्या आएगा, एक्स प्लस आई भी आएगा 72। ठीक, फिर जब एक्स वन आप करेंगे, ठीक है, तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ आएगा एक्स आई इज इक्वल टू, यानी एक्स वन कितना हो गया, 11। ऐसे ही स्टार एक्स प्लस आई क्या आएगा, 11, और एम्परसेंड एक्स आई कितना आएगा, तो एक एलिमेंट चूंकि 2 बाइट लेता है, इंटीजर टाइप है ना, तो 72 से स्टार्ट हुआ, तो 72 और 73,
पहला एलिमेंट ले लेगा तो दूसरा एलिमेंट हो जाएगा 74, ऐसे यहां लिखा हुआ आएगा 74, क्लियर। सिमिलरली और आगे चलिए, अब यहां एक्स आई लिखा हुआ आएगा 12, यहां पे आएगा 12, एड्रेस इसका कितना आएगा, तो फिर ये दो 74 से 74 और 75 ये एलिमेंट लेगा 2 बाइट, तो इसका आएगा 76। सिमिलरली ये लिखा हुआ आएगा एक्स प्लस आई इक्वल टू 76 एंड सो ऑन। अब आप ये अपने आप कंप्लीट कर लेंगे। तो मेन आपको जो ये दिखाना था कि किसी भी एरे के जो डाटा एलिमेंट्स हैं और जो डाटा एलिमेंट का जो एड्रेस है, तो एड्रेस को भी हम दो तरीके से दिखा सकते हैं। देखिए ये दोनों एड्रेस दिखा रहा है और ये दोनों डाटा एलिमेंट की वैल्यू दिखा रहा है। तो मेन पर्पस इस प्रोग्राम का यही था कि आपको रिलेशनशिप शो करना बिटवीन द डेटा एलिमेंट एंड दियर एड्रेसेस, ठीक। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन है, बहुत बढ़िया आपको मैंने ये एग्जाम प्रोग्राम बना के बताया है। अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिएगा, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।